पूरी जानकारी देंगे, हनुमान जी का मंदिर भी दिखाएंगे और पूरे दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों बने रहें, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पवन माली, स्वागत करता हूं पवन माली चंबल मंडल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज ठाकुर बाबा के पास में एक मंदिर है और वो भी टापू पे है। तो दोस्तों मैं पूरा दृश्य दिखाऊंगा और पूरी जानकारी पहुंचाऊंगा और दोस्तों वहाँ मंदिर पर भी चलेंगे। और इधर में जो बगीचा है तो यहाँ पर आश्रम है बाबा के और यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं और उनका मैं बैक कैमरे से पूरा इस बगीचे का भी मैं दृश्य दिखाऊंगा। तो बने रहें, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो में बने रहें लास्ट वीडियो तक। और अभी चलेंगे अपन बजरंगबली के स्थान पर, वो भी टापू पे है। तो दोस्तों मैं बैक कैमरे से पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे नई ताज़ा जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अपन बाबा की कुटिया पे आ चुके हैं आश्रम पे और यहाँ पर पीने की एवं नहाने धोने की यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है इस बगीचे में। और दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर बगीचा है, मतलब काफ़ी सुंदर और यहाँ पर हरियाली वगैरह काफ़ी छाया और गर्मियों के दिन में काफ़ी सुंदर यहाँ पर रहवास है। और दोस्तों यहाँ पर जो है इधर की साइड में, तो दोस्तों अंदर भी चलेंगे और थोड़ा सा उसका भी अपन दर्शन कराएंगे, महादेव बाबा का किसका स्थान है जो उसके भी दर्शन कराएंगे। तो बने रहें। और इधर में जो बाबा की कुटिया है, तो बाबा की कुटिया भी देख सकते हैं, यहाँ पर बाबा जी सो रहे हैं। और आगे चलेंगे और यहाँ पर बाबा जी कुटिया में यहाँ पर महादेव बाबा का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर घंटी वगैरह जो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अमन कुंड भी बना हुआ है बाबा की कुटिया में। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा बगीचा है और ये बगीचा है ठाकुर बाबा के मंदिर के पास में। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर और एवं महादेव बाबा का मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पर संत महात्मा यहाँ पर रहते हुए हैं। बाबा के बगीचे की यहाँ पर हरियाली भी देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं। और मैं पूरा नज़ारा दिखाऊंगा इस कुटिया का और आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर बगीचा है देखने लायक है। और यहाँ पर बाबा का जो बगीचा है और ये महादेव बाबा का भी मंदिर बना हुआ है। मैं बता दूं यहाँ पर हनुमान जी का जो स्थान है मंदिर है, यहाँ पर काफी तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है। मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर चारों बगल बाउंड्री भी हो चुकी है। पहले यहाँ पर जो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर पहले सिड्डी नहीं थी और यहाँ पर बीच टापू बताओ और बिल्कुल टापू था और सागरों के जरिए यहाँ पर ऊपर दर्शन करने के लिए यात्री लोग श्रद्धालु यहाँ पर जाते थे। और अभी चलेंगे अपन ऊपर, ऊपर की पूरी जानकारी देंगे, हनुमान जी का मंदिर भी दिखाएंगे और पूरे दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों बने रहे, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो तक जानकारी देंगे। और यहाँ पर अब सिद्धि वगैरह यहाँ पर बन चुकी है। तो आप दोस्तों अब मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आप तक जानकारियाँ पहुँचा रहा हूँ और अब हम चल रहे हैं ऊपर हनुमान जी के मंदिर का भी दर्शन कराएंगे और किस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। और ऊपर टापू से पूरा दृश्य दिखाऊंगा, ऊपर टापू से किस प्रकार से यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ और अभी मैं पहले का जो दृश्य दिखा दूँ यहाँ पर, पहले इस सांकर के जरिए यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ा करते थे और इस सांकरों से पकड़ के, और पहले सीढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी और इस प्रकार से यहाँ पर सांकर वगैरह जो लगी हुई हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सांकर थी या एक ही सांकर थी पहले, ये इस सांकर को जरिए यहाँ पर ऊपर चढ़ा करते थे और हनुमान जी के जो दर्शन करते थे। तो आप देख सकते हैं हनुमान जी के मंदिर से टापू से यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। और अभी हम कराएंगे हनुमान जी के दर्शन, पहले अब थोड़ा बहुत यहाँ पर दृश्य देख लेते हैं जो इस प्रकार से यहाँ पर मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का। और मैं पूरी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से इस मंदिर की देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और ये काफ़ी ऊँचा टापू है और पूरा टापू से पूरा सीन दिखाऊंगा नीचे का और आसपास का पूरा नज़ारा। और हनुमान जी के आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर, हनुमान जी की इस प्रकार से यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है और जो आप नीचे का दृश्य देख सकते हैं यहाँ पर काम इस प्रकार से चल रहा है और यहाँ पर बजरी वगैरह यहाँ पर सिस्टम है। और इधर में देखोगे तो बाबा की कुटिया का भी बगीचा है, तो बाबा की बगीचा भी देख सकते हैं। और इधर में देखोगे राजघाट अटार घाट वाला चंबल नदी का ब्रिज, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस टापू से यहाँ पर पूरा दृश्य देखने को इस प्रकार से मिल रहा है। और ये है सबलगढ़ वाला रास्ता, चंबल घाट राजघाट के लिए जाता है। और इधर में जाओ देखोगे तो इधर में मध्य प्रदेश MP सबलगढ़ के लिए जाता है और यहाँ पर बच्चा मारा रोने लग गया है। तो यहाँ पर हम आए थे और यहाँ पर किसी ने अल्लाह कर दिया तो यहाँ पर रोने लग गया। और यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है बालाजी बाबा का।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी नई ताज़ा जानकारियाँ नए ब्लॉग मैं लाता रहूँ और आप लोगों का मेरे को प्यार बनाए रखें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर पे यहाँ पर पेड़ वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर इस प्रकार से दृश्य देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं पूरा जानकारी और पूरे दृश्य दिखाऊंगा और आगे, और जिससे आप देख सकते हैं सांकर के जरिए यहाँ पर इस प्रकार से चढ़ते थे और अब आ चुके हैं दोस्तों हम नीचे, और नीचे से पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। थोड़ा और भी दिखाऊंगा और पूरी जानकारी आप तक पहुँचा दूंगा। तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है, लगातार तेज़ी में काम चल रहा है, काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। यहाँ पर बाउंड्री वगैरह काफ़ी हो भी चुकी है, काफ़ी सुविधा हो भी चुकी है। पहले यहाँ पर टापू टापू था और बिल्कुल टापू था, मिट्टी का टापू बना हुआ था हनुमान जी के मंदिर पर। तो यहाँ पर अब काफ़ी व्यवस्था हो चुकी है और यहाँ पर भी काफ़ी मंदिर बजरंगबली का बना हुआ है। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं नई ताज़ा जानकारी के साथ में।